भी ये किताब आया था तो मैं शुरुआत में मैंने लिए नहीं है, लेकिन एक बार श्री सर ने मुझे प्रोग्राम में बोला था कि किताब के बारे में बहुत जल्दी से वेरीफाई किया, तो वैसे किताब पढ़ने का मैं बहुत शौकीन हूँ, तो वेरीफाई करने के बाद मैंने ये किताब मुझे पढ़नी चाहिए। मैं किताब क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि वो अंग्रेजी में इसलिए नहीं ले रहा था, तो इन्होंने इतने वेरीफाई किए चलो ठीक है लेते, तो किताब तो ले लिया। शुरू 8-10 दिन तो मैंने लिया, कुछ खोला भी नहीं। वापस एक बार एक लड़के के मुंह से सुना मैंने तो बोला आप ही शुरू करना है, रात को 10 बजे मैंने शुरू किया हुए और मेरी जो आदत है वो किताब पढ़ने की रात को 10 से 12 बजे तक मैंने किताब पढ़ा। और वाकई किताब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो हमारा शुरुआती दौर जो होता है इस व्यवसाय में जो शुरुआती दौर होता है बहुत कठिन होता है, क्योंकि क्या प्रोडक्ट हर कोई प्रोडक्ट के पीछे पड़ता है, कोई प्रॉस्पर के पीछे पड़ता है, लेकिन वो फीडबैक नहीं आ रहे, बिजनेस कैसे करना है ये समझ भी नहीं आ रहा, तो ये जो भी शुरुआती जो दौर है ये दौर काफी संघर्ष होता है। तो जब हम ये शुरुआत करते हैं इस व्यवसाय में तो हमें बोले एक सपोर्ट चाहिए, और कोई बोले मोरल नहीं चाहिए, मोरल हमारा बढ़ाने के लिए, तो ये किताब ऐसा है कि हमारे जो मोरल है वो बढ़ाता है, मतलब क्या कि आगे बढ़ने के लिए हमें धकेलता है आगे बढ़ने के लिए। तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग इधर, और अभी हिंदी आएगी तो सवाल ही नहीं है, अभी अभी शायद आज आपके खत्म हो जाएगी। और अच्छी बात क्या है कि ये किताब जो है वो प्रॉस्पेक्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है, प्रॉस्पेक्टिंग के लिए। अभी मैं बहुत सारे कुछ लोगों से बात करता हूँ तो वो क्या रिएक्शन क्या कोई जानता नहीं है, ऐसा भी हो जाए तो हमें समझाने में दिक्कत होती है, रिएक्शन के बारे में हमें तो पता है लेकिन हम कैसे अपने शब्दों में उनके सामने रखे ऐसा हो जाए, तो ये आसान तरीका क्या हो गया रिएक्शन के बारे में जानने, ये किताब ये पढ़ो कल मैं आके लेके जाऊंगा या फिर 2 दिन के बाद आके लेके जाऊंगा, क्योंकि शुरुआती दौर में हम ऐसे कर देते। वो किताब दूसरा होता था सीक्रेट नाम की किताब थी, उसके अलावा प्रॉस्पेक्टिंग नाम छोड़ देते, तो ये किताब अगर अपनी ही किताब है तो सबसे बेहतर है प्रॉस्पेक्टिंग के लिए। और ऐसे प्रॉस्पेक्टिंग जैसे बोला कि अपने पास अंग्रेजी किताब भी होनी चाहिए प्रॉस्पेक्टिंग के लिए आसान है, तो अच्छा है कि पूछने के लिए आसान है कि आपको अंग्रेजी पढ़ने में अच्छा लगता है या हिंदी पढ़ने में, तो अभी अपने पास पहले कैसा होता था अंग्रेजी देते ना तो नहीं मुझे हिंदी पढ़ने का अच्छा नहीं है, अभी हम हांडी का वगैरह है इसको हिंदी चाहिए, अभी अपने पास दोनों किताबें हो, अभी क्या बोलेगा 2 उंगली में से 1 उंगली पकड़ना पड़ेगा उसका, चलो ठीक है पकड़ो हम अंग्रेजी तो या अंग्रेजी ले लो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है किताब देने के बाद फॉलो होना था, और दूसरी तुरंत हमने पूछ लीजिए कि पढ़ा गया, कम से कम पहला 1-2 पेज पढ़ेगा, अगर ये फॉलो हो जाता तो समझ लीजिए कि वो जरूर किताब पढ़ने में ये जरूर किताब पढ़ेगा, और 2 दिन के बाद कितनी ज्यादा उनको समय देना है 2-3 दिन के बाद तुरंत पूछ लीजिए कि हाँ ये हो गया पढ़ के हो गया चलो ठीक है, और फिर बाद में और कुछ नहीं पूछना है, हम फॉर्म कभी साइन अप कर दे और प्रोडक्ट कभी आप शुरुआत कर, ये आसान है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जो टॉप वर्ड है बोलते हैं, पहले ऐसे लोग बोलते थे कि अरे ऊपरी लेवल तक जाना है बिजनेस ऊपरी लेवल तक जाना चाहिए, एक्चुअली हम नीचे लेवल में रहते हैं, तो ऊपरी लेवल में जाने के लिए ये जो किताब है सबसे बेहतरीन। वेरी गुड, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ के पास जाते हैं या डायरेक्टर के पास जाते हैं उनको ज्वाइनिंग करना है, क्योंकि अपना कैसा आइदर वो कंज्यूमर तो बनेगा या तो फिर बिजनेसमैन तो बनेगा ही पार्टनर तो बनेगा, लेकिन उनका जाने के लिए हमारे पास सोर्स क्या होता है, कुछ सोर्स नहीं होता। अभी ये डायरेक्टर है तो उसको आसान क्या है कि किताब देना आसान, और वो भी क्या वो भी क्यों पढ़ेगा क्योंकि ये एक कंपनी के सीईओ की किताब है, जीवनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं 100% बोलता हूं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर इस किताब को पढ़ेगा तो 100% आपके पास साइन अप होगा, 100% होगा, शायद वो प्रोडक्ट के लिए साइन अप हो सकता है और वाकई ये किताब उसके दिल में उतर गई तो वो बिजनेस भी हो सके, क्योंकि जैसे साहब ने कहा अभी मैं आखिरी पेज तक आया नहीं हूं कि अगर फ्यूचर डिरेक्शन का फ्यूचर क्या है, अगर वो अच्छी तरह से इलाबोरेट किया है तो सवाल नहीं कि अगर वो आदमी है वो इंसान है वो भी इसमें आ सकता है, तो ये कंपनी का एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। कंपनी के 40 प्रोडक्ट है तो ये 41 प्रोडक्ट जो है ये अमेजिंग प्रोडक्ट है, और इसके आपके पास 100% रिजल्ट आने वाले बिजनेस बढ़ाएंगे। थैंक यू।
मुझे बुक पढ़ने का शौक है, तो ये बुक का एक खासियत है कि जैसे बुक पढ़ना आप चालू करेंगे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर लिम आपसे बात कर रहे हैं। इस टाइप में इसको बनाया गया है तो पढ़ने में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि लगता है सामने बैठ के हमसे बात हो रहा है। इस सबसे बुक हमें मतलब वो एक होता है इसमें। दूसरी बात है कि इसके अंदर छोटी से छोटी चीज को डॉक्टर लिम ने बताया हुआ है जिससे हमें पूरा कॉन्फिडेंस आता है। और एक चीज मिलती है कि शुरुआत में बहुत छोटे पैमाने पे चालू किया गया है बिजनेस, आज वर्ल्ड वाइड करोड़ों अरबों खरबों में चला गया है। कि एक इंसान की सोच इतनी बड़ी हो सकती है कि एक देश छोटा सा कंट्री से चालू हुआ बिजनेस आज 180 प्लस कंट्री में जा सकता है, ये सोच की आदत हमें मुख्य मालूम होती है। दूसरा ये होता है कि जैसे बुक हम पढ़ना चालू करते हैं पढ़ते पढ़ते आगे चले जाते तो लगता है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम सही कंपनी में है और सही सीईओ के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि सीईओ अगर मजबूत रहेगा, उसका विजन मजबूत रहेगा तो ही वो कंपनी को बहुत दूर तक ले जा सकता है। और उन्होंने जो सपना देखा पूरा वर्ल्ड वाइड सबको हेल्दी बनाने का, वेल्दी बनाने का, वो किस तरह शुरुआत हुई और किस तरह से उसका आगे तक ये जर्नी चालू है, ये पूरा बुक में मालूम पड़ता है। दूसरी चीज है, अभी बात हुआ था वैसे कि हम एक नॉर्मल आदमी है, इंसान है, अगर डॉक्टर लिम कुछ प्रॉब्लम फेस किए उन्होंने स्टार्टिंग में, और नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान को वो प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, वो हर एक आदमी को वो प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। और डॉक्टर लिम के पास देख के हमें लगता है कि हम अभी यही रास्ते पे तो आगे जाके हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल ही रहेगा। ये सबसे और जैसा प्रशांत सर ने बताया कि बुक को हम टूल करके एक अच्छा से यूज कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर लिम को बताना इतना ईजी नहीं है उनका जर्नी, क्योंकि बहुत है ना शब्दों में मानना बहुत कठिन है जो ये बुक में डॉक्टर सवराज ने किया, तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो अगर बुक पढ़ेगा तो उसका डॉक्टर लिम के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसको जो पढ़ने वाला उसको क्लियर आइडिया आ जाएगा, तो हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली पढ़ने को देंगे तो भी अपना काम हो सकता है। बुक पढ़ के आ जाइए फिर हम बात करेंगे तो तुरंत साइन अप हो जाएगा और फिर पड़ेगा। अगेन मैं नरेंद्र मीडिया कंपनी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा एक बेहतरीन टूल लेके आए कि जिसमें हमें भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और बिजनेस करने में भी हमें ज्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू। बुक अपने आप में एक नशा है। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने बताया कि मुझे 1 month लगा फुल बुक कंप्लीट करने में। इसका मीनिंग ये नहीं कि मैंने फुल बुक पूरे महीने पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा मुझे सर नहीं कुछ तो मिसिंग है, और ईच एंड एवरी टाइम मैं वही चैप्टर रिपीट करते गए, और जितनी बार मैं पढ़ा मुझे लग रहा था कि नहीं ये मैंने मिस कैसे किया, कुछ ना कुछ नया पढ़ रही है। ऐसा बोल सकते कि ईच एंड एवरी चैप्टर मैंने 10 से 12 बार पढ़ा और हर बार मुझे नया लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम किसी क्लाइंट से या कंज्यूमर से मिलते हैं तो हमसे कोई क्वेरी करते हैं, यार मुझे ये बीमारी है, हम बीमारी सोचते थेरेपी पार्ट। मैं इधर नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा, ऐसा थेरेपी की, तो कोई बोलता मैं पेशेंट हूं मुझे तकलीफ है, और कोई भी ऐसा बीमार होता आप सोचते रहे ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जब आप ये किताब पढ़ोगे, डॉक्टर इनके टेस्टिमोनियल पढ़ोगे, तो डॉक्टर इनके टेस्टिमोनियल आपके होंगे क्योंकि आप डीएसएम के फैमिली है, और आप खुद कॉन्फिडेंटली बोले हाँ ये इसका ये इश्यू है, इसको आप लीजिए, गैनोथेरेपी यूज कीजिए। इसमें गैनोथेरेपी के बारे में अच्छा बताया गया, और ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस जो जितनी बारीकी से बता रहे कि क्या ड्रॉबैक है, जो हमारे रिफ्लेक्सेस आते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं क्या आज ही लेने के बाद मुझे ये हुआ। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, डॉक्टर लिम ने इसमें मेंशन किया था कि किसी को उन्होंने आज ही दिया था, आफ्टर 1 week वो पर्सन है डॉक्टर लिम को गाली देने लगे, यार तुमने मुझे क्या दिया, ये दिया, लोग मुझसे दूर भाग रहे, स्मेल आ रही है, गंदी बास आ रही है। तो डॉक्टर ने पूछे कि आप क्या काम क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं केमिकल फैक्ट्री में काम करता हूँ यानी पेंट की, तो उनके अंदर इतना टॉक्सिन हो गया था तो जिसके वजह से आरजीएल खाने के बाद से डिटॉक्सिफिकेशन होने लगा और स्मेल आने लगी, वो ही बाहर क्लीनिंग प्रोसेस हो गया। डॉक्टर ने उनको समझाया कि नहीं ये जो आप ले रहे हो आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तो जब उनको समझ में आया बाद में क्लियर, आफ्टर 6 month होने लगे फुल्ली अच्छी तरह क्लियर हो गया और वो उन्होंने अपना आरजीएल कंटिन्यू रखा। तो मीन्स कहने का मतलब कि इसमें से आप एक्सपीरियंस तो लोगे ही प्लस आपका कॉन्फिडेंस डीएसएम के प्रति और मजबूत होगा। ठीक है, चलते रहते हैं हमेशा, आप वहां देखते रहते हो,
वहां अगर लगाते हो तो मुझे तो एहसास होता है हमेशा के लिए कि डॉक्टर लिम हमारे साथ में है। तो इस किताब का वो एक अच्छा वो भी आप उपयोग कर सकते हैं या तो उसका एक अच्छा सा तरीका हो सकता है। कोई आपके घर पे आता है तो आप बोल सकते हो इस शख्सियत के साथ, इस साइंटिस्ट के साथ मैं काम कर रहा हूं, और एक अच्छे दिल से कह सकती हूं कि ये कंपनी में मैं जुड़ी हूं और आप भी जुड़ना चाहते हो तो इसके साथ जुड़ सकते हो। ये टूल के हिसाब से आपको यूज कर सकते हो बुक को, लेकिन एक जो उनका चेहरा हमेशा मैं देखती हूं तो लगता है ऊपर वाले ने दिया हुआ एक तीसरी आंख हमारे साथ जुड़ी हुई है जो हमेशा हेल्थ वेल्थ और हमेशा हैप्पीनेस देती रहती है। थैंक यू सो मच।